नमस्कार मेरे प्रिय भाई बहनों, आज के इस वीडियो में हम आप लोगों का स्वागत करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, आइए इस वीडियो में हम प्रभु का एक वचन देखते हैं, उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे आज के शाम के लिए। तो आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम निकालते हैं यशाया अध्याय 60 पद संख्या 13, जिसमें लिखा है, जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु क्या कहता है कि जिस प्रकार माँ अपने बच्चे को शांति देती है, मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। आज मेरे प्रिय भाई बहन, आज आप कोई भी समस्या में क्यों ना पड़े, कोई भी चिंताएं आपके जीवन में क्यों ना हो, चाहे वो बीमारी की हो या कर्जे की या कोई भी चिंताएं आपके जीवन में हो, आपको शांति चाहिए। आप परेशान हो गए, चिंताओं से हताश हो गए हैं, निराश हो गए हैं, तो प्रभु क्या कहता है, जिस प्रकार माता अपने बच्चे को शांति देती है, मैं तुम्हें शांति दूंगा। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, आज हम प्रभु के चरणों में जाएंगे और प्रभु से शांति मांगेंगे। आज के इस शाम में प्रभु से हम बातें करेंगे, विनती के द्वारा हम प्रभु से बातें करेंगे। आइए मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रार्थना को स्टार्ट करते हैं। हे जीवित अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु जी कि आप हमारे बीच में हैं, आप हमारे पास में हैं प्रभु जी, आप हमेशा हमारे साथ रहते हैं, हमारे पास रहते हैं, हमारी रक्षा करते हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आप महान हैं, आप सर्वशक्तिमान हैं, आप ही करुणा निधान हैं प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आपने ही हमें बनाया, इस पृथ्वी को बनाया, इस पृथ्वी पर रहने वाले हर एक जीव जंतुओं को बनाया प्रभु जी, आपने ही सूर्य चंद्रमा तारे को बनाया है। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे राजाओं के राजा, हे प्रभु के प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज के इस दिन में हमें संभाल के रखा और एक मौका दिया कि प्रभु जी हम आपकी स्तुति और आपकी प्रशंसा कर सके। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज आपने हमें जीवित रखा, हमें सुरक्षित रखा, क्योंकि प्रभु जी बहुत लोग इस दुनिया को छोड़कर चले गए हैं, लेकिन प्रभु जी आपने हमें संभाल कर रखा, हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हे पिता परमेश्वर, आज के इस शाम में हम आपकी उपस्थिति में आते हैं और पिता परमेश्वर, जो लोग भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं, हे प्रभु जी, हम उन लोगों को भी आपकी उपस्थिति में देते हैं। हे पिता परमेश्वर, हमें अपने शरण स्थान में स्थान दे प्रभु जी। हे राजाओं के राजा, हे प्रभु के प्रभु, हम पर दया कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु जी। हे प्रभु जी, हम आप पे विश्वास करते हैं, क्योंकि प्रभु जी आप ही जीवित परमेश्वर हैं। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, हम पर दया कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन प्रभु जी। आज के इस शाम में प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करने आए हैं, हम आपका धन्यवाद देने आए हैं पिता परमेश्वर, हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हालेलुया, हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आप ही हमें जीवन प्रदान करते हैं, आप ही हमें हर एक बीमारियों से चंगा करते हैं। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में हमें संभाल के रखने के लिए, हमें आशीष देने के लिए पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, आज के इस दिन में आपने हमारे परिवारों को संभाल के रखा, हमारे दोस्तों को संभाल के रखा, हमारे पड़ोसियों को संभाल के रखा। हे पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में आपने हमें भोजन दिया है प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे प्रभु जी, आज के इस दिन में आपने अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारी अगुवाई की और हमारे हर एक कार्यों में प्रभु जी आप हमारे साथ रहे, हम आपका धन्यवाद करते हैं। हे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में आपने जिस तरीके से हमें संभाला है, हमें आशीष दिया है, हे प्रभु जी, आज के इस रात में प्रभु जी हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आज के इस दिन में प्रभु जी, जिनके घरों में भी अशांति है प्रभु जी, जो लोग शांति खोज रहे हैं प्रभु जी, आपके वचनों में लिखा है कि जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। हे पिता परमेश्वर, जो लोग शांति ढूंढ रहे प्रभु जी, आज हम उन लोगों को आपके चरणों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, उन लोगों पर दया कर और उन्हें शांति प्रदान कर प्रभु जी। हे प्रभु जी, जो लोग कमेंट बॉक्स में अपनी समस्याओं को लिखते हैं, अपनी प्रार्थना निवेदन को लिखते हैं प्रभु जी, आप उन प्रार्थनाओं को, उन कमेंट को पढ़िए प्रभु जी, और उनकी सारी समस्याओं को, उनके सारे प्रॉब्लम को दूर करिए। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हम आपसे निवेदन करते हैं। हालेलुया,
हालेलुया। हे पिता परमेश्वर, आप ही हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं प्रभु जी, इसलिए प्रभु जी हम आपके पास आए। प्रभु जी हम आप पे विश्वास करते हैं प्रभु जी। हे पिता परमेश्वर, आज के इस रात में प्रभु जी हम अपने आप को और अपने पूरे परिवारों को और जो लोग भी प्रभु जी इस प्रार्थनाओं को सुन रहे प्रभु जी, उनके परिवारों को, उनके रिश्तेदारों को, उनके दोस्तों को आपके चरणों में सौंपते हैं। हे पिता परमेश्वर, इन लोगों को प्रभु जी अपनी छत्र छाया में, अपने पंखों के आड़ में छुपा ले प्रभु जी, अपने लहू से ढक ले, ताकि प्रभु जी आज के इस रात में प्रभु जी इन्हें अच्छी नींद प्रदान हो और इन्हें हर एक दुष्ट आत्माओं से बचा कर रख, हर एक विषैले जीव जंतुओं से बचा कर रख। हे पिता परमेश्वर, हम आपसे विनती करते हैं और प्रभु यीशु के नाम से इन सभी प्रार्थनाओं को अपने जीवन में, और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, इन प्रार्थनाओं को सुन रहे प्रभु जी, जो लोग विश्वास कर रहे हैं, उनके जीवन में मांगते हैं। आमीन।